आए दिन परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगा है। ऐसी ही एक परीक्षा और गड़बड़ी की शिकार हुई है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी में कथित गड़बड़ियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बेशक एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन इसे लेकर पूरे देश में चल रहा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। देश भर से 20,000 से ज्यादा युवाओं ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं, तो यह उनके रोष को ही प्रकट करता है। इस वर्ष 5 मई को हुई नीट यूजीसी परीक्षा में करीब 24 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को जब एनटीए ने परीक्षा के नतीजे घोषित किए तो कोहराम मच गया। इसमें करीब 67 परीक्षार्थियों को पूर्णांक 720 में से पूरे 720 अंक मिलने पर सवाल उठे, तो एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर्स निकलने के भी आरोप लगे। नीट यूजीसी परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति ऐसी है जिसमें विद्यार्थियों को पूर्णांक 720 में से 718 या 719 मिल ही नहीं सकते, लेकिन कई परीक्षार्थियों को इतने अंक मिलने से भी परीक्षा में धांधली होने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि एनटीए इसकी वजह करीब 1500 परीक्षार्थियों को मिले अनुग्रह अंकों को बता रही है, जो इसलिए दिए गए थे क्योंकि तकनीकी वजहों से उक्त केंद्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं मिल सका। लेकिन जब 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हो, तब अनुग्रह अंकों का बंटवारा जाहिर है कि मनमाना नहीं हो सकता। अनुग्रह अंकों को कथित तौर पर 2018 की क्लाइट परीक्षा के फार्मूले पर बांटने की बात तो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। क्लाइट की ऑनलाइन परीक्षा की तुलना में भी नीट ऑफलाइन तो थी ही, दोनों परीक्षाओं के पैटर्न में भी खासा फर्क है। इसके अतिरिक्त अगर किसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के समय का नुकसान हुआ था तो उसी वक्त उन्हें अतिरिक्त समय दिया जा सकता था। यही नहीं, इस मामले की जांच की जिम्मेदारी नीट द्वारा अपने ही गवर्निंग बॉडी के की अध्यक्षता में गठित की गई समिति को सौंपे जाने से उनकी मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह बेहद दुखद है कि मेडिकल परीक्षाओं की पुरानी प्रक्रिया में निहित दोषों को दूर करने के लिए ही लाई गई एनटीए की व्यवस्था खुद ही आरोपों से घिर गई है। नीट परीक्षा सालाना आयोजित होने वाले देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा पर होने वाली परीक्षा का पूरी तरह से त्रुटि मुक्त होना संभव नहीं है। इसके बावजूद परीक्षा की भी एक सुचिता होती है। कुल मिलाकर अपनी गलतियों को ढकने की कोशिशों के बजाय पूरे मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए, ताकि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षा की प्रक्रिया को दोष मुक्त किया जा सके, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो सके। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।